नारायण जय भारत। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें लल्लू हिंदुस्तानी के साथ। तो आज हम पहुंचे हैं जिला कचहरी में। तो बरसात का मौसम है, गुनगुनाती धूप के आनंद लेने के चक्कर में हिल स्टेशन से लौटे इन वकीलों के दफ्तर चाय की चुस्कियों में गुजर रहे हैं, क्योंकि भैया बारिश का मौसम यही तो है। देखिए वाह, चाय की चुस्कियाँ चल रही है भाई साहब। तो भाई साहब चाय की चुस्कियाँ तो चल रही हैं, पर ये बताइए नामी ग्रामी वकील हैं आप, आपके यहाँ की सड़क टूटी है, तो एक आप क्यों नहीं याचिका करते, क्यों नहीं दायर करते अदालत में, क्यों नहीं? आपका तो धर्म बनता है, आपको तो फीस भी नहीं देनी, क्या कहेंगे आप? जी आप याचिका क्यों नहीं दायर करते कि ये सड़क बननी चाहिए? राइट, कानून आपको आता है, वकील तो आप हैं ही, फीस तो आपको किसी ने दें। याचिका दायर करते हैं कि उन्हें फंड ही नहीं है। क्या नहीं है? फंड नहीं है। आपने कभी याचिका दायर की? हम क्यों करें, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका अधिकार नहीं है, मानवता क्या कहता है? यहाँ पे बार की जो है ना, जगह बार की है, कुछ जगह नहीं। नहीं आपका दरवाजा है ना, आपके दरवाजे के सड़क टूटी हो तो आप पुलिस कमिश्नर को दरवाजा से वहां तक जा दो। भाई साहब दरवाजा तो आप ही का है ना, तो आपके दरवाजे की सड़क टूटी है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करेंगे? आप वकील हैं। हमने बार को बोला हुआ है, बोला है, या आपने आप सीधी याचिका क्यों नहीं करते? ये आपका धर्म नहीं, आप तो वकील है, आप अदालत में लेके जाइए नगर निगम कमिश्नर को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के एमएलए को, यहाँ के एमपी को। बार को कितनी बार बुलाया? बार ने विपन ढंड ने नहीं किया काम, तो ये सीधा आरोप है इनका कि विपन ढंड ने काम नहीं किया है। तो हम पूछते हैं पूरे शहर से, क्योंकि शहर से भाई साहब कचहरी की सड़कें अच्छी है बहुत, आप देख ही रहे हो कैसी है। नहीं बता दीजिए, देख ही रहे हैं वीडियो। चलिए देख ही रहे हैं वीडियो, तो ये लल्लू हिंदुस्तान की लाइव तस्वीरें थी। तो हम पूछते हैं यहाँ के वकील, कानून तो बताते हैं सभी को कि कानून क्या कहता है, लेकिन अधिकारों के लिए एक याचिका भी नहीं कर सकते? आखिर वकील जो ठहरे, वकील बिना फीस लिए शायद किसी का काम नहीं करते होंगे, इसलिए ये याचिका भी नहीं करते। तो अभी वकील साहब ने कहा कि सड़कों का काम के लिए याचिका हम नहीं करेंगे, ये बाहर जाने। तो जनाब ये बताइए, आपके बाहर की सड़क टूटी है तो आपने क्या कभी इसके बारे में यहाँ के निगम कमिश्नर, मेयर, एमपी, एमएलए किसी के खिलाफ याचिका किया? हमारे जो प्रधान साहब हैं वो सब कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं और कई बार। चलिए प्रधान जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ये साहब कह रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं सीधी तस्वीरें आपको लाइव अमृतसर दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि लोगों के अधिकार के लिए फीस लेकर वकील जो लड़ते हैं वो अपने दरवाजे की सड़क ठीक करवाने के लिए एक याचिका भी नहीं कर पाते, क्योंकि फीस बगैर काम ले। तो हमारे सामने रितु शर्मा जी हैं, आप बार एसोसिएशन के में रही हैं, ये बताइए आपके बाहर सड़क टूटी है तो कोई याचिका कर देते, अदालत में घसीट लेते, तो वकील क्या कहता? बिना फीस लिए कोई काम नहीं करना क्या? नहीं काम करते हैं वकील। नहीं तो आपके यहाँ सड़क टूटी, पूरा शहर परेशान है, क्या किया आपने? चलिए जवाब हो या ना हो, लल्लू हिंदुस्तानी लाइव पूछता है और वकीलों से पूछता है कि लोगों का कानून अगर फीस लेकर लड़ते हैं तो अपने अधिकारों के लिए कम से कम या लड़ो तो सही। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, डीपी शर्मा जी सीधे पाकिस्तान वालों का केस लड़ते हैं, अपना केस कैसे लड़ेंगे? सड़क टूटी है, ये पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, मतलब वहाँ के कैदियों के लिए। चलिए ये जिला कचहरी है और टूटी ऐसी है कि दिल टूट जाए। हाय, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, और ये जिला कचहरी की लाइव तस्वीरें आप लल्लू हिंदुस्तानी के साथ देख रहे हैं। और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकील अपने अधिकारों के लिए कितने सजग हैं ये बताएं। बार एसोसिएशन के प्रधान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है। मैं किसी का पिट्ठू नहीं हूँ, मैं जो कहता हूँ वो बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। तो जिला कचहरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वकीलों का हाल है, ये बुरा हाल, बड़े बड़े वकील, क्या बात है। तो कम से कम अपने अधिकारों के लिए एक केस तो कर देते। लल्लू हिंदुस्तानी लाइव बोलता है किसी से नहीं डरता, केवल खुदा से। तो ये बताइए सीधे लाइव, खाना चल रहा है, चाय चल रही है, ये बताइए सड़कें टूटी हैं, आपने कभी इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप लोगों के लिए लड़ती हैं, क्यों नहीं लड़ी लड़ाई आपने? अपनी लड़ाई आपने, शी इज वेरी गुड लेडी, सड़कें टूटी हुई हैं। हाँ, आपने कमिश्नर को क्यों नहीं घसीटा, आपने मेयर को क्यों नहीं घसीटा, आपने एमपी एमएलए को क्यों नहीं घसीटा? कई बार हम लोग जो है शिकायतें तो करते हैं लेकिन कुछ होता तो। चलिए चाय पीजिए, चुस्कियां लीजिए, लल्लू हिंदुस्तानी बकबक ऐसे करता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कहिएगा कि लाइव हिंदुस्तानी और लल्लू हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।